तो दोस्तों आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास एक ऐसी स्मार्ट वॉच है जो 2000 रुपए के अंदर आती है और इस वॉच में आपको 1.96 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर दिया गया है, हिंदी यूआई सपोर्ट है तो आप वॉच को हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको क्राउन मिलता है जिसे रोटेट करके आप एक्चुअल में यूज कर सकते हैं, जबकि जो इस रेंज में वॉच आती है उनमें जो क्राउन होता है वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, एक्चुअल में वर्क नहीं करता है। बाकी इसमें और भी कई कूल फीचर्स है। ये वॉच जो है मैक्सिमा ने हाल ही में लॉन्च किया है और इसका नाम मैक्स प्रो टर्बो 2 है। इस वॉच को मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ और आज आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको इस वॉच के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। बाकी काफी टाइम से आप लोग कह रहे थे कि चैनल पर कोई गिव अवे नहीं किया है, तो इस वीडियो के लिए मैंने टोटल 3 वॉच मंगाई है जिसमें 2 वॉच मैं गिव अवे करूंगा और 1 वॉच मेरे पर्सनल यूज के लिए रखूंगा। गिव अवे की डिटेल मैं आपको वीडियो में आगे शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वॉच का बॉक्स दिखने में कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पे ये मैक्सिमा लिखा है, इस तरफ वॉच की फोटो दे रखी है। ये 1 टैप ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर के साथ आती है। नीचे इसका नाम लिखा है जो कि मैक्स प्रो टर्बो 2 है। यहाँ पर इसका कलर हाईलाइट कर रखा है जो कि रोज गोल्ड और ब्लैक है। यहाँ वॉच की MRP दे रखी है जो कि लगभग 7000 रुपए है, पर Amazon पर आपको ये 1999 की मिल जाएगी। बॉक्स में सबसे पहले आपको स्मार्ट वॉच, फिर कुछ यूजर डॉक्यूमेंटेशन और एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल दी गई है। वॉच में 1.96 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है जो दिखने में काफी बड़ी डिस्प्ले लगती है। नॉर्मली इस रेट में इतनी बड़ी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें बेजल्स भी काफी कम दिए गए हैं। नीचे आपको थोड़ी बड़ी बेजल देखने को मिलती है, बाकी तीनों तरफ आपको काफी स्लिम बेजल दी गई है। बाकी डिस्प्ले काफी शार्प कंटेंट दिखाती है और इसकी कलर क्वालिटी भी अच्छी है। डिस्प्ले में 600 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है जो कि काफी अच्छा ब्राइटनेस लेवल है, तो आप आउटडोर में भी इस वॉच को आराम से यूज कर सकते हैं। वॉच में बड़ी डिस्प्ले दी गई है तो जो इसकी बॉडी की साइज है वो भी बड़ी है, तो अगर आपका हाथ छोटा है तो आपको ये वॉच बड़ी लग सकती है। बाकी मेरे हाथ के साइज के हिसाब से मुझे ये वॉच बिल्कुल ठीक लगी। वॉच में रेस्ट वेक का फीचर भी है, तो जैसे ही आप टाइम देखने के लिए वॉच को ऊपर करते हैं तो इसकी डिस्प्ले अपने आप ऑन हो जाती है। वॉच में स्क्वायर डायल दिया गया है और यहाँ साइड में बॉक्सी फ्रेम देखने को मिलती है जिसके ऊपर हल्का सा कर्व किया गया है और पीछे की तरफ थोड़ा ज्यादा कर्व देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी फ्रेम मेटल से बनी है। फ्रेम के बीच में एक क्राउन दिया गया है जो कि एक बटन है और इसे आप रोटेट करके भी वॉच को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ आपको इसका माइक्रोफोन देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ आपको इसका स्पीकर दिया गया है जिनका यूज करके आप इस वॉच के थ्रू ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं। वॉच के बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का यूज किया गया है। बीच में आपको इसके सभी सेंसर्स देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ इसकी चार्जिंग पिंस दे रखी है जहां से आप इस वॉच को चार्ज कर सकते हैं। बाकी ये वॉच नॉर्मल वॉच से थोड़ी मोटी है क्योंकि इसमें रोटेटिंग क्राउन है और ये बड़ी बैटरी के साथ आती है। वॉच में सिलिकॉन के बैंड्स दिए गए हैं जो काफी सॉफ्ट है और अच्छी क्वालिटी वाला फील देते हैं। पीछे दिए गए बटन को प्रेस करके आप इन बैंड्स को रिमूव कर सकते हैं और अपनी पसंद का दूसरा बैंड इस पर लगा सकते हैं। वॉच के मेरे पास 3 कलर है, ये वाला रोज गोल्ड कलर है, ये ब्लू है और ये वाला ब्लैक कलर है। तीनों ही कलर्स दिखने में अच्छे लगते हैं, पर वॉच का जो ये रोज गोल्ड कलर है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और इस पर जब लाइट पड़ती है तो एक काफी प्रीमियम लुक देता है। वॉच में आपको अलग अलग तरह के डायल्स देखने को मिलते हैं जो प्राइस के हिसाब से दिखने में काफी प्रीमियम और हाई क्वालिटी के लगते हैं। इस वॉच को अपने फोन से पेयर करने के लिए आपको अपने फोन के प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में जाकर इस मैक्सिमा प्रॉफिट ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप ओपन करते ही आपको इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है जिसमें आप अपनी डेली एक्टिविटीज चेक कर सकते हैं। नीचे डिवाइस पर क्लिक करके आप अपनी कनेक्टेड वॉच के फीचर्स देख पाएंगे, जैसे यहाँ पर इनकमिंग कॉल और SMS की नोटिफिकेशन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैसेज नोटिफिकेशन के अंदर जाकर आप पर्टिकुलर ऐप की नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आपके फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो वो आपको वॉच में दिख जाएगी। इसके नीचे आपको डायल सेटिंग देखने को मिल जाती है जिसमें आप अपनी पसंद का डायल वॉच में सेट कर सकते हैं। डायल वॉच में सिंक होने के बाद आप नया डायल वॉच में देख पाएंगे। बाकी आप डिफॉल्ट वॉच फेसेस को इस क्राउन को घुमाकर भी चेंज कर सकते हैं जो कि काफी हैंडी लगता है। इसके अलावा वॉच की ऐप में आप कस्टम वॉच फेस भी बना सकते हैं और फोटो गैलरी में से आप अपनी फोटो भी डायल पर सेट कर सकते हैं, और क्योंकि वॉच की डिस्प्ले बड़ी है तो ऐसे वॉच फेस इस पर काफी अच्छे लगते हैं। वॉच के यूजर इंटरफेस की बात करें तो साइड में दिए गए क्राउन को एक बार प्रेस करके आप इसके डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं, ऐसे फिर से प्रेस करके आप इसे ऑफ कर सकते हैं। वॉच फेस पर स्वाइप डाउन करके आप कंट्रोल सेंटर एक्सेस कर सकते हैं जिसमें सबसे ऊपर आप इसकी बैटरी, कनेक्शन स्टेटस और डेट चेक कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आप यूजफुल कंट्रोल्स देख सकते हैं। साइड बटन को यहाँ पर
प्रेस करके आप वॉच फेस पर जा सकते हैं। इसके अलावा वॉच फेस पर स्वाइप अप करेंगे तो आप सभी नोटिफिकेशंस चेक कर पाएंगे। नीचे दिए गए क्लियर बटन पर क्लिक करके आप सभी नोटिफिकेशंस को क्लियर कर सकते हैं। वॉच फेस पर स्वाइप लेफ्ट करके आप शॉर्टकट एप्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप डायल पैड देख सकते हैं, जहां से आप नंबर डायल करके अपने फोन के थ्रू ब्लूटूथ कॉल को मिला सकते हैं। इसमें एडवांस ब्लूटूथ चिप दी गई है, जिसके कारण वॉच का ब्लूटूथ फंक्शन इंस्टेंटली ऑन ऑफ हो जाता है और आपको सीमलेस एक्सपीरियंस इस वॉच के साथ मिलता है। वॉच ऐप में फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट्स के अंदर जाकर आप कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, फिर वॉच की कॉन्टेक्ट ऐप में से आप डायरेक्ट कॉल्स को मिला सकते हैं। फोन ऐप पर स्वाइप लेफ्ट करके आपको एक्टिविटी ऐप देखने को मिल जाती है, जहां पर आप अपने स्टेप काउंट, कैलोरीज बर्न और एवरेज हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। इसके बाद म्यूजिक कंट्रोल ऐप दे रखी है, इसे यूज करके आप अपने फोन के म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं और वॉच के स्पीकर के थ्रू सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। वॉच की स्पीकर क्वालिटी डिसेंट है और प्राइस के हिसाब से कहूंगा बेस्ट है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट कर देना है। उसके बाद मैं कमेंट्स में से एक विनर रैंडमली सिलेक्ट करूंगा। इसी तरीके से मैं इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट कर रहा हूं, जिसे जाकर आपको लाइक करना है और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना है, और उस पोस्ट पे जो कमेंट आप करेंगे उन कमेंट्स में से मैं एक विनर और सिलेक्ट करूंगा। तो इस तरह से टोटल 2 विनर सिलेक्ट हो जाएंगे। विनर मैं 15 जून को सिलेक्ट करूंगा और विनर सिलेक्ट करने के बाद मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगा और एड्रेस लेने के बाद मैं ये वॉच उनको सेंड कर दूंगा। म्यूजिक ऐप के बाद हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऐप दे रखी है। वॉच में आप हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन दोनों मॉनिटर कर सकते हैं और वॉच में आपको डेडिकेटेड सेंसर्स दिए गए हैं, तो आपको इसमें एक्यूरेट रीडिंग्स देखने को मिलती है। वॉच में आपको स्लीप मॉनिटरिंग ऐप भी दे रखी है, जहां से आप अपनी स्लीप को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा वॉच में आप करंट वेदर भी चेक कर सकते हैं और आगे का फोरकास्ट भी देख सकते हैं। वेदर ऐप के बाद आपको ऐड कंपोनेंट का ऑप्शन मिलता है, जिस पर टैप करके आप अपने हिसाब से शॉर्टकट ऐप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कैलकुलेटर ऐप पर टैप करके इसे ऐड कर सकता हूं और इसकी बड़ी डिस्प्ले के कारण ये कैलकुलेटर ऐप इसमें काफी अच्छी लग रही है और इस पर कैलकुलेशंस काफी आसानी से की जा सकती है। ऐसे आप चाहें तो यहाँ पर और ऐप्स के शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी ऐप के शॉर्टकट को डिलीट करने के लिए आपको कुछ सेकंड्स तक होल्ड करके इस माइनस बटन पर टैप कर देना है। वॉच फेस पर स्वाइप राइट करके आप वॉच की सभी ऐप्स को देख सकते हैं और क्राउन को घुमाकर आप इन ऐप्स को स्क्रॉल कर सकते हैं, जिससे स्क्रीन ब्लॉक नहीं होती है और आपको पूरे कंटेंट का व्यू मिल पाता है। इसके अलावा आप चाहें तो स्वाइप करके भी स्क्रॉल कर सकते हैं। वॉच की सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर आपको मेन्यू स्टाइल सेट करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप कई तरह की मेन्यू स्टाइल सेट कर सकते हैं। मेन्यू 2 सेट करेंगे तो आपको इसमें एप्पल वॉच की जैसी मेन्यू देखने को मिलेगी। वॉच की एक्टिविटी ऐप में आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। ऐप के अंदर आपको अलग अलग स्पोर्ट्स की कैटेगरी दे रखी है, जैसे पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो आपको वॉक, रन, साइकिलिंग वगैरह के स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए आप वॉक करना चाहते हैं तो आप वॉक वाला वर्कआउट ऑन कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर आपको टाइमर देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको BPM, कैलोरीज बर्न, स्टेप काउंट और डिस्टेंस कवर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वॉच में आपको पर्सनल असिस्टेंट ऐप भी दे रखी है, जिस पर टैप करके आप अपने फोन के पर्सनल असिस्टेंट को एक्टिव कर सकते हैं और डायरेक्ट वॉच के माइक से कमांड दे सकते हैं। व्हाट्स द वेदर। बाकी वॉच में एक्टिव लाइफस्टाइल के फीचर भी दे रखे हैं, जिन्हें आप वॉच की ऐप में जाकर ऑन कर सकते हैं। जैसे सेडेंटरी अलर्ट, जो कि एक टाइम इंटरवल के बाद आपको मूव करने के लिए अलर्ट करता है। ऐसे इसमें ड्रिंकिंग वाटर और मेडिसिन रिमाइंडर भी दे रखे हैं। वॉच में 2 गेम्स दी गई है, जिसमें से एक कार वाली गेम इस बड़ी डिस्प्ले में काफी अच्छी लगती है। अगर गेम थोड़ी फास्ट होती तो खेलने में मजा आता। वॉच में यूटिलिटीज के अंदर आपको एम्बिएंट साउंड की ऐप दे रखी है, जिसमें आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट का साउंड लेवल चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास कितनी ज्यादा नॉइस है। इसके नीचे ई कार्ड ऐप दे रखी है, जो मैंने इससे पहले किसी भी वॉच में नहीं देखी है, पर ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। आप वॉच की ऐप के थ्रू इस ऐप में बारकोड्स रख सकते हैं, जैसे मैंने मेरे UPI का बारकोड इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं डायरेक्ट वॉच में कोड दिखाकर पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकता हूं। इसके अलावा वॉच में आपको स्टॉप वॉच, टाइमर, कैलकुलेटर, फ्लैश लाइट, अलार्म क्लॉक और कैलेंडर जैसी ऐप देखने को मिल जाती है। शटर ऐप का यूज करके आप वॉच को अपने फोन का कैमरा रिमोट बना सकते हैं और फिर वॉच से फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने 2000 के अंदर पहली वॉच देखी है, जिसमें आपको लैंग्वेज सेट करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप इसमें हिंदी लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। वॉच का बैटरी बैकअप मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। नॉर्मली जो ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच आती है उनमें जो बैटरी बैकअप होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, पर इस वॉच की जो ब्लूटूथ चिप है वो काफी एनर्जी एफिशिएंट है और ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ भी आपको इस वॉच से आराम से 2 से 3 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। बाकी नॉर्मल यूजेस में आपको 5 से 6 दिन तक का बैटरी बैकअप इस वॉच से मिल जाएगा। बाकी बैटरी बैकअप आपके यूज करने के तरीके के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। ओवरऑल वॉच का बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पर रील्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूं। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।